फेशियल से भी 10 गुना ज्यादा निखार आएगा अगर आप हफ्ते में दो बार ये काम कर लें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नैना। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू गेट ग्लोइंग सुपर ग्लोइंग स्किन एट होम विद बनाना पील। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी बनाना का छिलका जो होता है, इसका जो पील होता है, इससे कैसे आप अपने चेहरे को बहुत ज्यादा ग्लोइंग और यूथफुल बना सकते हैं। बनाना खाकर अक्सर हम इसका छिलका फेंक देते हैं, लेकिन अगर ये दो स्टेप आप फॉलो कर लेंगे तो फेशियल से भी ज्यादा ग्लो आपको अपने चेहरे में देखने को मिल जाएगा। बनाना का जो छिलका होता है, इसके ऊपर जो ये व्हाइट सी लेयर होती है दोस्तों, ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। ये हमारी स्किन को यूथफुल बनाती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इस बनाना के छिलके से कैसे हम ये फेशियल वाले स्टेप्स कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप एक बॉल लेंगे और बनाना का जो पील है, इससे हमें ये वाइट पोर्शन निकालना है। तो आप इस तरीके से एक स्पून की हेल्प से इस सारे व्हाइट पोर्शन को निकाल सकते हैं। एक चम्मच के बराबर बनाना पील का पेस्ट ले लिया है। अब इसके बाद दोस्तों दूसरा इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर ऐड करना है इसके अंदर, एलोवेरा जेल। तो यहाँ पर मैं मार्केट वाला जेल ही यूज करूंगी। इसके लिए आधा चम्मच के बराबर आप यहाँ पर एलोवेरा जेल ऐड करें। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आधे चम्मच के बराबर, और इन तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। इसको रखते हैं हम साइड में। पहले हमें अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, जिसके लिए हमें बनाना का एक छोटा सा छिलका लेना है और इसके ऊपर से इस तरह से कट्स लगा दीजिए, जिससे कि हम आसानी से इसे स्क्रब कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपने इसके अंदर इसके ऊपर ऐड करना है थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉल्ट। आपको यहाँ पर सॉल्ट यानी नमक यूज करना है। अगर आपको आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इरिटेशन हो जाती है, तो आप यहाँ पर सॉल्ट की जगह पर आप ले सकते हैं पिसी हुई चीनी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इससे अपने फेस पर अच्छी तरह से स्क्रब करना है। इस बनाना पील को लेकर आप इसे अपने चेहरे पर बहुत अच्छी तरह से रगड़िए, मसाज कीजिए और बहुत अच्छे से आपने इसे मसाज करनी है। हल्के हाथों से ही आप मसाज करेंगे, उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे ताज़े पानी से, एंड देन आपने जो फेशियल मसाज क्रीम बनाई थी इसे लेकर आपको अपने फेस पर अप्लाई करके अच्छे से आपको मसाज करनी है। और मसाज कर लेने के बाद दोस्तों इस मास्क को आप अपने फेस पर अप्लाई करके छोड़ दीजिए और 10 या 5 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को ताज़े पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आप ये दो काम कर लोगे तो आपके फेस में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी इम्प्रूव होगी, क्योंकि बनाना का जो छिलका होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक बार करके देखिएगा, क्योंकि मैंने जब इसको यूज़ किया तो मेरे फेस में मुझे काफ़ी अच्छा ग्लो दिखाई दे रहा था। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आप सबको हेल्पफुल लगी हो। सो प्लीज़ लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।